हे गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में वो फिर से दलजी दोसांझ स्टार मच अवेटेड फिल्म जेट एंड जूलियट 3 को लेकर, जिसे डायरेक्शन दिया है जगदीप सिद्धू ने और इस फिल्म का बजट है सिर्फ 10 से 12 करोड़, जिसमें आपको लीडिंग में नज़र आ रही है इनकी अपोजिट फीमेल लीड में नीरू बाजवा। इनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है और कहीं ना कहीं इस फिल्म का चलने का रीज़न है इस फिल्म की फिल्म फ्रेंचाइजी जेट एंड जूलियट, जिसे कि ऑडियंस ने स्टार्टिंग से पसंद किया है। और ये इतिहास रहा है पंजाबी सिनेमा का कि जितनी भी सीक्वल्स आ रही हैं सभी के सभी या तो हिट रहती है या ब्लॉकबस्टर, और कहीं ना कहीं जेट एंड जूलियट बन चुकी है पंजाबी सिनेमा की तीसरी हायर ग्रोसर फिल्म। कहीं ना कहीं ये फिल्म बन चुकी है दूसरी 100 करोड़ी फिल्म। आपको जानकर हैरानी होगी, जेट एंड जूलियट 3 ने 100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है सिर्फ 20 दिनों में, और ये फिल्म अभी भी स्टेबल है, करोड़ों में कमाई कर रही है हर दिन। यानी कि उम्मीद है कि ये फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकती है। इस फिल्म ने अपने बजट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 8 टाइम कलेक्शन कर लिया है, और ये कहना गलत नहीं हुआ कि पंजाबी सिनेमा और बहुत जल्द उफान पर आने वाली है। बहुत जल्द ये फिल्म बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को टक्कर देने वाली है। वेल, आप लोगों ने जेट एंड जूलियट 3 देख लिया है तो आपको स्टोरी कैसी लगी, आपकी ओपिनियंस क्या है, कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना और बताना मत भूलिएगा कि आपके हिसाब से जेट एंड जूलियट 3 का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या रहने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।